अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान्स किचन। मैं हूँ मिसेस खान। आज मैं आपको घर में टिक्का मसाला बनाना सिखाऊंगी। टिक्का मसाला के लिए जो चीज़ चाहिए वो मैं आपको आज बता रही हूँ। 4 टेबलस्पून साबित ज़ीरा, 4 टेबलस्पून साबित धनिया, 4-5 स्टिक दालचीनी, 10-15 दाने साबित मिर्च, लहसुन पाउडर 1 टेबलस्पून, अदरक पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कूटी मिर्च 2 टेबलस्पून, साबित गर्म मसाले में बादियान 2 फूल, छोटी इलायची 6-7 दाने, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, जायफल का थोड़ा छोटा टुकड़ा, जावित्री 2-3 फूल और लौंग 10-15 दाने, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून टाटरी। अब मैं इनको रोस्ट करूंगी, फिर जो पिसे हुए मसाले हैं उन सब में मिक्स करके आपको दिखाऊंगी। अब साबित मसाले को मैं रोस्ट कर रही हूँ। धनिया, ज़ीरा पहले हल्का इनको कर लूँ, फिर इसमें साबित मिर्च डालूँगी। ये थोड़ा रोस्ट कर लिया, इसके बाद साबित मिर्च डाल दी और तमाम साबित गरम मसाले, दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च, जावित्री, जायफल, बादियान, लौंग, काली मिर्च सब डालकर साथ रोस्ट कर लूँगी। फिर इसको मैं ग्राइंड करूँगी। हल्का रोस्ट कीजिएगा, रोस्ट हो जाए फिर इसको ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करके फिर तमाम मसाले डालकर मैं मिक्स करके आपको दिखाऊँगी। जो साबित तमाम मसाले थे उनको मैंने रोस्ट किया और रोस्ट करके उनको ग्राइंड कर लिया और अब मैं इसमें पिसे हुए मसाले मिक्स कर रही हूँ। अदरक, लहसुन पाउडर, टाटरी, हल्दी, कूटी मिर्च, इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये टिक्का मसाला तैयार है। जब आप टिक्का मसाला तैयार है, जब आप 1 किलो अगर बनाती, ये 2 किलो के लिए है, अगर 1 किलो बनाती हैं तो इसकी क्वांटिटी को हाफ कर लें। और अब इसको एयर टाइट जार में रख लें, जब आपको यूज़ करना हो तो निकाल करके यूज़ करें। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।